ये अपने आंखों के सामने जो चीज देख रहे हैं कांग्रेस ने बनवाया है। आप देखिए IIM IIT और अमीर बोलते हैं JNU किसने बनवाया है, इसरो किसने बनवाया है, इसरो अपना किसने किया है, मोदी जी ने बनवाया है। विश्व गुरु बनने से भुखमरी मिट जाएगा क्या, बेरोजगार मिट जाएगा, विश्व गुरु से कुछ होने वाला है क्या? एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार में, ना एक भी 9 साल के दरमियान एक एम्स भी नहीं बनाया है बिहार में, ना कोई एयरपोर्ट बनाया है बिहार में, कुछ भी नहीं दिया बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बताइए आखिर बिहार के लोगों को किस आधार पे वोट करे, ये तो सवाल है ना। बोलते हैं कि चाय बना रहे थे तो जैसे पानी ज्यादा डाल दीजिएगा तो पीने में ठीक नहीं ना लगेगा, वैसे ही जनता को पीने में अब ठीक नहीं लगने वाले हैं मोदी जी। इधर कौन सा समुन्दर में 10-20 करोड़ की अरब खरब बुला रहे थे, यहाँ जनता भूखा पिया। किसका संपत्ति है अरब खरब? अब खरब खरब सरकार हमारा संपत्ति जाता है, टैक्स देता है, टैक्स देता हूँ पैसा तो आप बुलाते हैं उधर। तो योगी आ जाए तो हम बीजेपी को दे देंगे, योगी आएंगे तो बीजेपी को दे देंगे, बीजेपी को देंगे, अगर लोग देंगे क्या किस आधार पे देंगे बताइए तो। बिल्कुल बिल्कुल क्यों देंगे, क्यों देंगे योगी को? बिल्कुल देंगे, क्यों देंगे वही तो पूछ रहे हैं। यूपी में देखिए अभी क्या हो रहा है, अपने भाषण में बोलते हैं कि अमेरिका में भाषण दे रहे थे और भाषण में कहते हैं कि हर एक घंटे में हर एक दिन हमारे IIT IIM यूनिवर्सिटी खुल रहा है, देश को संबोधित कर रहे हैं, तो बोलते दरभंगा में हम एम्स खोल दिए, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? नहीं खुला है एम्स, नहीं खुला है। अमित शाह जी का झूठ देखिए कितना बड़ा पकड़ा गया भाई, अमित शाह जी आते हैं बिहार पूर्णिया बोलते हैं एयरपोर्ट चालू हो गया, मोदी कुछ काम ही नहीं किया, मोदी कुछ काम नहीं किया, नहीं किया, लोग कह रहे देश बचाए हैं नरेंद्र मोदी, कहाँ बचाए बताइए, 2 कट्ठा जमीन खरीदे हैं जम्मू कश्मीर में, कैसे पता चला? खरीदे हैं तो खरीदे हैं, खरीदे हैं, तीन लोग बोले अमीरी भी होता है ना गरीब, जो 600 करोड़ 500 करोड़ उसके लिए कुछ कर रहे हैं, गरीब के लिए करवे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है, चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे सामने ला रहे हैं, कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया बताते हैं, तो इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि NDA का इस बार कोई चांस नहीं है, NDA को इस बार कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम पटना के लोगों से ये ग्राउंड सर्वे करते हैं कि भैया मोदी जी ने 9 साल में क्या कुछ काम किए हैं, अगर उन्होंने काम किया है तो उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या उनको पटना के लोग वोट करेंगे। आइए पटना के लोग से जानते, क्या नाम है? जॉगी मंडल। अच्छा मंडल जी, नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है? काम तो उनका देश बचाया हुआ है और क्या, देश बचाए हैं नरेंद्र मोदी, बचाए हैं, नहीं तो क्या हो जाता, नहीं तो विरोधी हो रहा है और विरोधी होता और विरोधी होता रहेगा, नहीं बचाएगा तो और विरोधी बढ़ता रहेगा। तो अगले बार कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? अब उनका भविष्य जो अच्छा कर रहे हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम लोग तो अभी हम लोग पैसे वालों को ही पैसा वाला देखा जाता है, गरीब आदमी को तो उलट को नहीं देखता है, जो कि हम लोग अभी अंदाज मिलावे के वो लोग निकलेंगे ना, वो जिनका भविष्य अच्छा होगा उनको वो निकलेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। अच्छा सतीश जी, मोदी जी या गांधी जी? राहुल गांधी। गांधी जी। राहुल गांधी क्यों? मोदी कुछ काम ही नहीं किया है, मोदी कुछ काम कुछ नहीं किया, किया। लोग कह रहे देश बचाए हैं नरेंद्र, कहाँ बचाया बताइए, तुम पत्रकारिता कर रहे, देश बचाए कहाँ, देश भेज दिए, देश भेज दिए, देश भेज, क्या बात कर रहे हो, क्या बात, वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल के दो काम बता भैया, हम आपसे पूछने आए हैं कि अगर बताए क्या, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, किनको लाएंगे आप? जो रहे जो गठबंधन राहुल गांधी को, जो रहे चेहरा, आप किनको देखते हैं चेहरा, आप किनको चेहरा दे रहे हैं? मोदी छोड़, राहुल गांधी, ये मोदी चोर है, मतलब मोदी को छोड़कर, मोदी को छोड़कर, हाँ मतलब क्या कह रहे, टेकू है, टेकू है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। क्या झूठ बोलते हैं मोदी? अच्छा बताइए भैया, आप तो कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है, वही बता रहे, उनका बेमिसाल बता रहे हैं कि अपने भाषण में बोलते हैं कि अमेरिका में भाषण दे रहे थे और भाषण में कहते हैं कि हर एक घंटे में हर एक दिन हमारे IIT IIM यूनिवर्सिटी खुल रहा है। एक दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक देश को संबोधित कर रहे हैं, तो बोलते दरभंगा में हम एम्स खोल दिए, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है बताइए? नहीं खुला है एम्स, नहीं खुला है, इलाज कर, अमित शाह जी का झूठ देखिए कितना बड़ा पकड़ा गया भाई, अमित शाह जी आते हैं बिहार पूर्णिया बोलते हैं एयरपोर्ट चालू हो गया, बताइए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बिहार की जो सरकार है वही नहीं बनने दे रही है एम्स, बिहार के बीजेपी वाले वो भी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोले कि हवाई चप्पल वाले को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, भैया ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन, अब जाइएगा यहाँ से
रांची जाइएगा, पटना से वंदे भारत से आपको 1700-1800 रुपए लग जाएगा। बताइए इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, इतना बड़ा फेकू और कोई हो सकता है बताइए। ये फेंक रहे हैं, एकदम फेंक रहे हैं, और इतना फेंकते फेंकते बोलते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिए हैं, जबकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस एग्जिस्ट ही नहीं है यहाँ, इस पे कैसे कर लिए वो। लेकिन कह तो रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है। अरे भैया इससे बेमिसाल और क्या हो सकता है, मतलब किसानों का आज क्या कह रहे हैं। जैसे वो चाय बना रहे थे ना, बोलते हैं कि चाय बना रहे थे तो जैसे पानी ज्यादा डाल दीजिएगा तो पीने में ठीक नहीं ना लगेगा, वैसे ही जनता को पीने में अब ठीक नहीं लगने वाले हैं मोदी जी। अच्छा मोदी जी अब ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं मोदी जी ठीक हो गए, बोले 2022 तक किसानों का आय दोगुना कर देंगे। भैया आ गया 23, बताइए किसान का आय दोगुना हुआ है? नहीं हुआ है ना। हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं मोदी। भैया बताइए कितना मजाक किसान के साथ किया जा रहा है, बताइए 500 महीना में जी लेंगे किसान? वहाँ तो 4,500 तो यूरिया का पड़ता है, एक यूरिया का सब्जी ना होगा एक महीना के 500 में कहाँ होता है? अरे सपोर्ट मिलता है थोड़ा, कहाँ से 500 में कौन सपोर्ट मिलेगा बताइए, कहाँ मिलेगा? राहुल गांधी को क्यों लाएंगे? महावीर मंदिर के लिए इसलिए लाया जा रहा है कि सुनिए, एक मिनट आपके पास, एक मिनट सुन लिया जाए। राहुल गांधी को क्या रहे सर, सुन लीजिए तो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। राहुल गांधी को इसलिए लिया जा रहा है कि गांधी जी ने गरीब को सरकारी जमीन पर बसाया और पिछला समाज को सबको एक दर्जा से चला, इज्जत मान एमपी बनाना, डीएम बनाना, अफसर बनाना, कलेक्टर बनाना, विधायक बनाना, पिछला समाजवादी को यही है, आरजेडी है, कि भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि देश को लूट लिया कांग्रेस वालों ने, भाजपा वाले तो कह रहे हैं देश को लूट लिया कांग्रेस वालों ने, लूटने वाला तो बेच क्या रहे हैं, जो लूट ही लिए थे कांग्रेस वाला तो बेच क्या रहा। आएंगे तो राहुल गांधी, एक काम तो भाई उनके फैमिली के लोग तो किया है ना, परिवार के लोग, उनके पास जितनी संपत्ति थी वो राष्ट्रीय संपत्ति तो घोषित कर दिया ना, उनके अपना पर्सनल घर है, अपना अपना घर नहीं है अपने नाम से, उनका एक भी घर नहीं है, वो सारे कह रहे विदेशों में खूब घर है उनका, नहीं है भाई, वो सारे चीजों को अपना राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया है अपने घर का राहुल गांधी ने। और राहुल कहेंगे सर इन बातों पे, ये बात पर कह रहे हैं ना, हम तो कहेंगे उनका पैसा ऐसे एगो इधर कौन सा समुन्दर में 10-20 करोड़ की अरब खरब बुला रहे थे, यहाँ जनता भूख खड़ती है, संपत्ति है अरब खरब, अब खरब खरब सरकार हमारा संपत्ति जाता टैक्स देते है, और टैक्स देते हैं पैसा तो आप बुलाते हैं उधर बिना काम का, यहाँ जनता कोई भूख मर रहा है उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा, तो खाली अगली बार कौन मोदी या राहुल? मोदी आवेंगे, वही राहुल आवेंगे, हाँ जी वही मोदी जी गरीबों के लिए इतना अच्छा काम, गरीब का वही जी है 1.5 रुपया किलो, वही किए हुए हैं तब इस पर किया, हाँ वही किए हुए भोजन का, मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए इतना अच्छा काम, क्या होगा हम जनता बोल रहे हैं, हाँ वही किए थे, जनता नाराज है मोदी जी से, मोदी जी ने 1,000 करोड़ के अमीर वाला जो गरीब है ना, अमीर गरीब है, अमीरिम भी होता है ना गरीब, जो 600 करोड़ 500 रुपया करोड़ उसके लिए कुछ कर रहे हैं, गरीब के लिए करवे नहीं किया, अमीरों के लिए कर रहे हैं, अमीरों के लिए कर रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया अमीर खूब जिए, जो कुछ नहीं था उसको जहाज पर, अडानी को मोदी जी देख के अडानी अपने दम पे, 600 कुछ नंबर पे था पहले 2014 से पहले, 600 ज्यादा होगा या 600 ज्यादा है पता नहीं, और मोदी जी आए 6 कितना साल हुआ अभी, तो 9 साल हुआ है, 9 साल में 1 नंबर 2 नंबर पे अभी अप डाउन कर रहे हैं, तो सोचिए कहाँ से कहाँ, मतलब ये कौन करवाया मोदी जी, और कौन करवा मोदी जी अडानी को इतना करवा रहे हैं। अच्छा अगली बार कौन, मोदी या राहुल? राहुल गांधी, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आगे आइए ना, क्यों आएंगे मोदी जी, क्यों आएंगे मोदी जी, काम के उसके लिए मोदी आएंगे, जोर से बोलिए, काम के उसके लिए आएंगे, और कौन सा काम किए हैं मोदी जी, कौन सा काम नहीं किया बताइए ना, कह रहे कौन सा काम नहीं किया, तो क्या किए बताइए, विश्व गुरु बन गया भारत, विश्व गुरु बन गया, इन्हीं सब के लिए तो विश्व गुरु बन जाएगा, क्या विश्व गुरु बनने से भुखमरी मिट जाएगा क्या, बेरोजगार मिट जाएगा, विश्व गुरु से कुछ होने वाला है क्या, दुनिया में अपना पहचान बना है, दुनिया में अपना पहचान काम चलेगा क्या, पहचाने बनाने से काम चलेगा, क्या होगा देश का पहचान बनाना चाहिए, अरे देश का पहचान बनाना चाहिए, अपना पहचान तो कोई भी बना लेगा जी, अपना पहचान देश का पहचान, कहाँ देश का पहचान बना, इंडिया का पहचान, अभी अच्छा G20 में वो अभी मीडिया से हट के भी कुछ देखिए, खुद मीडिया से, तो मीडिया से वही लग रहा है, न्यूज़ परोसने का काम करते हैं अंकल जी, जरूर बात है,
मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, आप मुझे 9 काम गिना दीजिए। अब जवान पे तो जवान पे रिक्ता कर रहे हैं, 9 काम नहीं है, आप रिक्ता कर रहे हैं। कांग्रेस का 9 साल में 9 काम याद नहीं, कांग्रेस का 2 काम गिना दीजिए, 10 गिना देते हैं, कांग्रेस का 2 काम हम गिना देते हैं। भैया अपने आंखों के सामने जो चीज देख रहे हैं कांग्रेस ने बनवाया है, आप देखिए IIM IIT और अमीर बोलते हैं JNU किसने बनवाया, इसरो किसने बनवाया है, स्थापना किसने किया, मोदी जी ने बनवाया है, चंद्रयान किसने छोड़ा, अरे इसरो कहाँ से, चंद्रयान कहाँ छोड़ा जा रहा है बताइए, तो कहाँ छोड़ा जा रहा है, इसरो से ना, इसरो बनता ही नहीं तो कहाँ से होता बताइए ना, टेक्नोलॉजी का आयरन ही होता भाई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त जनसंख्या कितनी थी भारत की, 32-33 करोड़ था, उस वक्त लोग गरीब में जुटा हुआ था, भुखमरी की शिकार थे लोग, उस वक्त नेहरू ने देश को काम नहीं, अनभक्त के लिए 9000 काम किए मोदी जी, जल्दी बताइए, ना तो राहुल ना ही मोदी यार। हाँ, तब कौन आएगा भैया, मैं बोल रहा हूँ कोई थर्ड बढ़िया बंदा है जो कौन आएगा करे, अब जनता समझे। हाँ, जनता को समझना चाहिए, जनता की बात को समझे, जो जनता की बात को समझे, आज एजुकेशन की बात है ना, कितने लोग शिक्षित हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, कितने ओबीसी ST जो हमारे लोग हैं, कितने हमारे आगे हैं, आज बात होती है ना कि ये बंदे ये समाज में ये हो गया, मोदी जी अकेले कर रहे हैं, मोदी जी के जो नीचे वाले है ना, दे ऑल आर मेकिंग फुल टू कंट्री। अच्छा, हाँ, तो अगली बार किसको लाएंगे आप लोग, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, लास्ट में हमें या तो योगी आ जाए तो हम बीजेपी को दे देंगे, योगी आएंगे तो बीजेपी को दे देंगे, बीजेपी को देंगे, अगर लोग देंगे क्या, देखिए किस आधार पे देंगे बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों देंगे, क्यों देंगे योगी को, बिल्कुल देंगे, क्यों देंगे, वही तो पूछ रहा है, यूपी में देखिए अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक अपराधी को आम आदमी मार दे रही है, कुछ तो की नहीं है, उसके लिए घर फोड़ेंगे, उसके लिए घर तोड़ेंगे, उसके लिए। हाँ, तो आप बताइए क्या हो रहा है, और जब जब सिवान में पूरे खुलेआम औरतों को काटा जाता था, शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी, प्रभुनाथ सिंह के गुंडागर्दी, तो ये क्या राजद और कांग्रेस का ये नहीं होता है, हतरस कांड बुला गए, शहाबुद्दीन का डर कब तक डराया जाए, कब तक डराइएगा शहाबुद्दीन के नाम, उसने सही बोला यार, तो मैं वही बोल रहा हूँ, पहले एजुकेट करो, पहले जनता को शिक्षित करो, हाई एजुकेशन दो, चाहे कोई भी गरीब से गरीब बंदा हो, ताकि वो सिचुएशन को समझेगा, डील करेगा, सरकार का यही तो एक अथी है कि सबके बेरोजगार कर दो, शिक्षित कहाँ होगा आपका, मैवे न कीजिएगा, कहाँ से बाल बच्चा पढ़ाइएगा, बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोला भाई मोदी जी ने, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार में जो खोला मोदी जी के राज में, कांग्रेस ने कम से कम 2 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया है बिहार में, लेकिन नरेंद्र मोदी से तो 39 सीट दिया गया बिहार से, इसके बावजूद भी एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है बिहार में, ना एक भी 9 साल के दरमियान एक एम्स भी नहीं बनाया है बिहार में, ना कोई एयरपोर्ट बनाया है बिहार में, कुछ भी नहीं दिया बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बताइए आखिर बिहार के लोगों को किस आधार पे वोट करे, ये तो सवाल है ना। ये सही बात है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, हमने 39 दिया है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल जो हेड है ना, ये गलती उनकी है कि उन्हें लेने नहीं आया, या फिर मोदी जी हम पे विश्वास कहीं ना कहीं उनसे भी गलती हुई है, और गलती हुआ है, सरकार के लेने नहीं आया, और अदर स्टेट में भी तो कुछ करना चाहिए, अगर मान लीजिए बिहार सरकार के कुछ नहीं लेने आ रहा, बहुत कुछ हुआ, अगर स्टेट में बहुत कुछ हुआ, क्या क्या कह रहे हैं अंकल जी, अगली बार मोदी जी या राहुल गांधी, मोदी जी आएंगे, क्यों आएंगे मोदी, इसलिए के 370 धारा को हटाया, और क्या हुआ, को हटाया, 2 कट्ठा जमीन खरीदे हैं जम्मू कश्मीर में, कैसे पता चला, खरीदे हैं तो खरीदे हैं, खरीदे हैं, दो 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 तीन लोग बोले, 2 कट्ठा।